हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्जाम गुरु। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। तो आप लोग का जैसे पता ही, आप लोग को 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो इसमें जो है आपको रिवीजन कराएंगे प्रीवियस ईयर का। एक बार आप रास्ते में हैं, सफ़र में हैं, कहीं भी इसको सुन सकते हैं, और ये सुनने से जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। तो फटाफट बिल्कुल समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका आंकड़ा वाला है, यूनिट 9 है, ये भौगोलिक सूचना एवं आंकड़ों के स्रोत जो है वो वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों के ऊर्ध्व या अधो उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिप्सोमेट्रिक वर्क। क्या कहा जाता है? हिप्सोमेट्रिक वक्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो नंबर, ये 2019 में पूछा गया जून में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय वक्र है जो किसी दिए गए वितरण हेतु विचलन की दृश्य सीमा को दर्शाता है? तो जो दृश्य सीमा को दर्शाता है वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईएस में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा प्रारूप फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है? तो ये जो है इसका देखिए क्या होगा, रोस्टर आंकड़ा। क्या हो जाएगा? रोस्टर आंकड़ा प्रारूप जो है जीआईएस में आंकड़ा प्रारूप है ये, और उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है। कौन सा? रोस्टर आंकड़ा प्रारूप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई स्कोपर टेस्ट में निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? तो जो काई स्कोपर टेस्ट होता है ना, इसमें गुडनेस ऑफ फिट, किसकी टेस्ट की जाती है? गुडनेस ऑफ फिट की माप की जाती है। नेक्स्ट है, नति लेख के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? तो देखिए, जो नति की दिशा जो होगी नति लेख में, वो समकोण पे होती है। किस पे होती है? समकोण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ए पर तापमान संबंधी निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए। देखिए, यहाँ पे तापमान प्रास 0 डिग्री यहाँ तापमान दिया है, और दिनों की संख्या दिया गया। अब बोल रहा है कौन सा विकल्प माध्य मासिक तापमान का सही निरूपित करता है? तो मासिक तापमान को कौन सा सही निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वायव फोटोग्राफ के संबंध में जलोढ़ पंखों और विषर्पों की पहचान करने में बिंब निर्वचन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो देखिए, इसमें बोल रहा क्या होगा, आकृति। ठीक, किसी भी वायव फोटोग्राफ के संबंध में जो जलोढ़ पंखों और विषर्पों की पहचान करने में बिंब निर्वचन के लिए जो है आकृति तत्व जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। वायव फोटोग्राफ लेने के लिए दिन का आदर्श समय क्या है? तो देखिए, वायव फोटो हम लोग लेंगे तो दिन का कौन सा समय बिल्कुल सही होगा? तो जब सूर्य की स्थिति निम्न तिर्यक, यानी दोपहर के पहले और बाद में, दोपहर के पहले या बाद में लेंगे, जब सूर्य की स्थिति निम्न तिर्यक होगी तब लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी आकृति माप सही है यदि बेसिन क्षेत्र ए और बेसिन की अधिकतम लंबाई एल हो? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ए बाई एल स्क्वायर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति माप सही है यदि बेसिन क्षेत्र ए और बेसिन की अधिकतम लंबाई एल है? तो ए बटा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय ढाल सिद्धांत जो है, ठीक है, यानी हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी किसने दिया था? ये हाइड्रोलिक स्कोप थ्योरी जो है R.E. हटन ने दिया। किसने दिया? R.E. हटन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोस्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है? रोस्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है, तो पहला है सरल आंकड़ा ढांचा, दूसरा है आसान और कुशल ओवरलेइंग, तीसरा है दूरसंवेदी इमेजरी के साथ संयोजन, और फोर्थ है नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, नेटवर्क विश्लेषण में अनुप्रयोग ये नहीं है। बाकी तीनों जो है वो
रास्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ है। सरल आंकड़ा ढांचा, आसान और कुशल ओवरलेइंग, दूरसंवेदी इमेजरी के साथ संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके से कौन सा एक रोस्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ नहीं है? तो रोस्टर डाटा फॉर्मेट का लाभ कौन सा नहीं है? तो देखिए, ये तो बता दी मैं आपको, नेटवर्क विश्लेषण में प्रयोग। नेक्स्ट है, सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों, जिसको EMR कहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? हरा, लाल, नीला और इंफ्रारेड। तो जो सबसे कम होता है वो होता है नीला का, ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होगा वो होता है लाल का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में उच्चता दर्शी वक्र, जिसको हाइपोसोग्राफी कहते हैं, वेशिंग के विकास के विभिन्न चरणों को अभिव्यक्त करता है। तो ये दिया हुआ है, देख लीजिए, ऊंचाई मीटर में। उपरोक्त आरेख से वेशिंग के विकास की सबसे युवा चरण के सही विकल्प को चुने, जिसमें सबसे युवा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अपर कोर्स जो है ऑप्शन ए, ये क्या होगा, ये सबसे युवा कोर्स है, ठीक। नेक्स्ट है विभेदन, रिजोल्यूशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंशों में अंतर रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदिता से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रम रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है, यह डिजिटल इमेज प्रक्रिया है जिसमें वह एल्गोरिज्म शामिल होता है जो बीम यानी इमेज में अज्ञात पिक्सलों की जांच करता है और इन्हें बीम में विद्यमान स्वाभाविक समूहों अथवा क्लस्टर के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में संकलित करता है। ये क्या है? अपर्यवेक्षित वर्गीकरण तकनीक। इसका आंसर होगा अपर्यवेक्षित वर्गीकृत तकनीक, ये दिसंबर 2019 का। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण का नाम दिया हुआ है एंड मापे तत्व का नाम दिया हुआ है, तो स्लिंग इसका जो है ऑप्शन होगा टू, ये यानी स्लिंग साइक्रोमीटर जो होगा सापेक्ष आर्द्रता, स्लिंग साइक्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, पेडोमीटर, पेडोमीटर किसको मापता है? दूरी को मापता है पेडोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर किसको मापेगा? विकिरण, स्पेक्ट्रो विकिरण ऊर्जा को। और पिक्नोमीटर, ये मिट्टी का घनत्व। तो ये हो जाएगा, तो स्लिंग साइक्रोमीटर ये किसको मापेगा? सापेक्ष आर्द्रता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए सही उत्तर। जब आंकड़े काफी विषम हो तो रैंक संकलन प्रविधि विकास के स्तरों को मापने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। रैंक संकलन प्रविधि प्रयोग में काफी सरल है। जेड स्कोर प्रविधि सुदृढ़ है तथा यह विकास के स्तरों को मापने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सभी प्रविधियों में सर्वाधिक उपयुक्त है। यदि विकास के विभिन्न घटकों के बीच अंतर संबंध कमजोर और संदेहास्पद हो तो प्रमुख घटक विश्लेषण प्रविधि के प्रयोग से बचना चाहिए, ठीक। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। 1, 2, 4, तो देखिए, जब यहाँ पे बोला क्या है, जब आंकड़े काफी विषम हो, ठीक है, विषम हो तो रैंक संकलन प्रविधि विकास के स्तरों को मापने में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, ये सही है। रैंक संकलन प्रविधि प्रयोग में काफी सरल, भी सही है। यदि विकास के विभिन्न घटकों के बीच अंतर संबंध कमजोर और संदेहास्पद हो तो प्रमुख घटक विश्लेषण प्रविधि के प्रयोग से बचना चाहिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी मिलान करना है, यहाँ पे दिया हुआ मानचित्र का प्रकार और सन्निहित सूचना, ठीक। तो इसका देखिए, इसका जो है कोरोक्रोमैट्रिक, ठीक, कोरोक्रोमैट्रिक का क्या होता है, एन रंगक के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण दर्शाता है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दो नंबर, एन रंगक के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण दर्शाता है। वर्ण प्रतीकी, तो ये प्रतीक से मिलता है, तो इसका क्या होगा, संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण, ठीक है, इसका हो जाएगा 4 नंबर, ये होगा 4। उसके बाद है वर्णमात्री, ठीक है, उसके बाद है समान रेखा, तो वर्णमात्री शैडो के माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है, ये हो जाएगा, और समान रेखा का समान मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा हो गया, ऑप्शन सी था इसका। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है? तो भारत में जो करता है वो है एन आर
एनआरएससी जो है ये संगठन है भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न ईएम और स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो बढ़ते क्रम में बोल रहा है। ठीक, तो देखिए बढ़ते क्रम में अभी बताई थी मैं आपको, बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, पराबैंगनी, नीला, हरा और लाल। सबसे ज्यादा किसका है? लाल का है, फिर हरा, फिर नीला, फिर पराबैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार को सक्रिय संवेदक सेंसर माना जाता है, रडार को, तर्क क्या है? यह संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं और उनके रेंज का पता लगाते हैं। ठीक, तो देखिए ये रडार को सक्रिय संवेदक सेंसर माना जाता है, ये सही है, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से वितरित एक समष्टि जिसकी 320 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वृष्टि है से 20 स्थानों के एक नमूना समुच्चय का चयन किया गया, नमूने का वृष्टि माध्य 250 सेमी तथा मानक विचलन 150 सेमी रिकॉर्ड किया गया, चयनित प्रति 10 नमूनों के लिए निम्न कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण होगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, टी परीक्षण होगा। क्या होगा? टी परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण माध्यम का सही गणितीय विशेषता इंगित करता है? कौन समीकरण माध्यम का सही गणितीय विशेषता इंगित करता है? तो देखिए समेशन एक्स माइनस एक्स अपॉन हैपन इक्वल टू 0, यानी देखिए ये वाला जो ऑप्शन बी है वो हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसा बटो के रैंक साइज वितरण का सही माप है? तो अनुपात। ठीक, अनुपात ऑप्शन डी, स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ईएमएस के किस भाग से चर्म कैंसर होता है? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसका परावैगनी विकिरण से होता है। किसी कक्षा के 500 छात्राओं को उनके लिंग के अनुसार दो भागों में बांटकर पुरुष के यादृच्छिक प्रतिदर्श और स्त्रियों के यादृच्छिक प्रतिदर्श लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चर सही होगा? तो स्तरित चर। कौन सा चर सही होगा? जो स्तरित चर होगा वो सही होगा, अगर पुरुष और महिला दोनों का हम ले रहे हैं तो। कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करता है? तो रिमोट सेंसिंग में बोल रहा है भू आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण या बादल आवरण, तो आंसर होगा बादल आवरण। बादल आवरण आवरण जो है ये सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का मुख्य कार्य है? तो देखिए जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना और इनका क्या करना, संरेखण करना। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी मानचित्र तकनीक रेखा की क्षेत्रों के दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है? तो देखिए इसका जो होगा, तो यहाँ रंगों का बोल रहा प्रयोग, तो कोरोक्रोमेट्रिक होगा। नीचे कथन दिया गया, अभिकथन नियर और आर, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण बिंदु रेखा और क्षेत्र के पैटर्न के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। तर्क, प्रतिदर्शन बिंदु और उनके निकटतम पड़ोसी के बीच वास्तविक मध्यमान दूरी और अनुमानित मध्यमान दूरियों की तुलना कर दूरी मापन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा चार्ट जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, वृत्त आरेख। वृत्त आरेख चार्ट जो है जनसंख्या की पेशागत संरचना, ठीक है, वृत्त आरेख जो है पेशागत संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पहलू समोच्च रेखी मानचित्र में सही दर्शाया जा सकता है? तो भूभाग ऊंचाई, भूभाग ऊंचाई समोच्च रेखा मानचित्र में सही से दर्शाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में क्या समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है? तो
तो समताप, समोच, शमकाल लिखा या सम्मान? तो इसका होगा शमकाल, समकाल लिखा। समकाल जो है वो समान यात्रा, जो समय को जोड़ने वाली रेखा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक समांग जनसंख्या समूहों के लिए अधिक उपयुक्त है? तो देखिए बोल रहा है कौन किसके लिए, समांग जनसंख्या समूहों के लिए। तो समांग के लिए कौन सा है, तो होगा सरल, ऑप्शन बी, सरल जो है समांग के लिए है। और संचय आवृत्ति वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? संचय आवृत्ति वितरण को ओगिव, ओगिव के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, रैखिक समाश्रयन समीकरण में वाई स्कल टू ए प्लस बी एक्स, और यदि एक्स और वाई श्रृंखला के मध्यम क्रमशः 23 और 94.5 है, ढाल प्रवणता 1.5 है, तो एक्स और वाई श्रृंखला के वितरण में काट ए का मूल्य कितना होगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 60। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, लेकिन मानचित्र जो सामान्यतः विभिन्न सूचना को संदर्भित करते हैं को कॉम्प्लेक्स थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स थीमेट्रिक मानचित्र का प्रयोग पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं और कार्यकलापों की अवस्थितियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए एन आर सही और सही व्याख्या है। फिर दिया है विकथन वेला, सुदूर संवेद दो दूर से बिना भौतिक संपर्क के पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करने का विज्ञान और कला है। तर्क, आंकड़ों का संग्रह जो है वायुयान और उपग्रह में अधिष्ठापित सुदूर संवेदियों के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी सही है, यानी ए आर दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन प्रकार और परंपरागत मानचित्र रंग प्रतीक। तो इसका हो जाएगा वन। ठीक है, वन का क्या होगा, वन होगा गहरा हरा। ठीक है, वन होगा गहरा हरा। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र होगा पीला। अकृषि भूमि, अकृषि भूमि क्या होगा, अकृषि भूमि होगा भूरा। और निर्मित क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये होगा लाल। निर्मित क्षेत्र क्या होगा, लाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम वेक्टर और रोस्टर आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है? तो सिस्टम वेक्टर और रोस्टर आंकड़ों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है इसमें सिस्टम वेक्टर और रोस्टर आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक लंबाई माप 10^6 मीटर के भिन्नात्मक माप से निकाला जा सकता है, माइक्रोमीटर? ठीक है, क्या निकाला जा सकता है, ऑप्शन बी होगा, 10^6 मीटर के भिन्नात्मक माप से माइक्रोमीटर को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण पेटी और तरंग लंबाई माइक्रोन में। विद्युत चुंबकीय विकिरण पेटी, ठीक है, दृष्टिगोचर। तो इसका देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, यानी 4, 3, 1, 2। फोर क्या है, दृष्टिगोचर 0.4 से 0.7, परावैगनी का होगा 0.3 से 0.4, अवरक्त, अवरक्त का होगा 10 10.12, और तापीय का क्या होगा 0.8 से 1.1। नहीं, इसका हो देखिए, अवरक्त का होगा 0.8 से 1.1, और तापीय का क्या हो जाएगा, तापीय का होगा 10.0 से 12.2 माइक्रोन, यानी तापीय का सबसे ज़्यादा है 10 से 12 12.2 माइक्रोन। ठीक, और दृष्टिगोचर का क्या हो रहा है, 0.4 से 7 4 से 7 दृष्टिगोचर, एंड परावैगनी का क्या हो रहा है, 3 से 4 0.3 से 0.4 जो है वो परावैगनी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसको मान लीजिए बोलता है सीक्वेंस में छोटे से बड़े में से जाने, तो पहले दृष्टिगोचर होगा,
पहले क्या होता परावैगिनी, उसके बाद क्या होता दृष्टिगोचर, उसके बाद क्या होता अवरक्त, और उसके बाद होता तापीय। किसी क्षेत्र के बड़े मध्यम लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? तो देखिए, जो सबसे ज्यादा प्रतिदर्श होगी होगी स्तरीकृत या दृष्टिचर प्रतिदर्श, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण मानचित्र है? तो देखिए वर्णपीतिकी, ठीक है, वर्णपीतिकी जो है वो गैर मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण मानचित्र है। उसके बाद दिया हुआ है परकीनारिक और सरल कोटि सहसंबंध की डिग्री, ठीक है। तो जो यहाँ पे है इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये यूजीसी नेट ने मतलब नहीं दिया है, ठीक है, ये डाउटफुल था, तो ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण माध्य की सही सही गणितीय विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो एक्स और समेशन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई इक्वल टू न्यूनतम, ठीक है, ये माध्य का सही गणितीय विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। यादृच्छिक संख्या द्वारा क्षेत्र प्रतिदर्शी के लिए अध्ययन के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसे दो क्षेत्र के अंदर समकोण पर जाल में होना चाहिए। तर्क क्षेत्र की पंक्ति और स्तंभ के काट क्षेत्र में प्रेक्षण के प्रतिदर्श अवस्थितियां प्रदान करेंगे। तो ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी यानी जो यादृच्छिक संख्या द्वारा क्षेत्र प्रतिदर्शी के लिए अध्ययन के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसे दो क्षेत्र के अंदर समकोण पर जाल में होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा तर्क है क्षेत्र की पंक्ति और स्तंभ के काट क्षेत्र में, जो क्षेत्र की पंक्ति है और स्तंभ का काट क्षेत्र में प्रेक्षण के प्रतिदर्श अवस्थियां प्रदान करेंगे, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकोण एंड विकास सूचकांक, दृष्टिकोण है विकास विकास सूचकांक, सहमति, विषयनिष्ठ समाकलन और मानव विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास सूचकांक, तो विकास सूचकांक क्या है? देखिए व्यक्तिगत सूचकांकों के लिए अनेक उप अंकों के संयोजन पर आधारित संयुक्त विकास अंक यानी स्कोर, यानी ए का जो होगा वो होगा 2। विकास सूचकांक व्यक्तिगत सूचकांकों के लिए अनेक उप अंकों के लिए संयोजन पर आधारित संयुक्त विकास अंक है। सहमति क्या है? ये अनुमानित रूप से शिक्षित नमूना समूह की राय पर आधारित औसत विकास रिपोर्ट है। उसके बाद देखिए क्या है विषयनिष्ठ समाकलन, विषयनिष्ठ समाकलन का हो जाएगा तदर्थ क्षेत्रों, वर्गों और सीमाओं के समुच्चय को फील्ड अनुभवों और विषयनिष्ठ आकलन के आधार पर निर्धारित होते हैं। मानव विकास, ये होगा प्रति व्यक्ति आय, जीवन जीवन का दीर्घायुपन और सामाजिक सक्षमता, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोग्राफ द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रतिमान संबंध का चित्रण होता है? तो एर्गोग्राफ द्वारा किसका होता है? फसली मौसम और मौसमी स्थितियां, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है? तो जो सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित ऑप्शन सी 300 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष से संबंधित है। तो फ्रेंड्स और थैंक यू, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन, और आप प्लेलिस्ट पर जाके पेपर वन की भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें एनालिसिस वगैरह है रोज का, और आप पेपर टू जियोग्राफी के एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का भी प्रीवियस ईयर है, तो आप एक बार जरूर जाके देखिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो लाइक करना।